नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज और मैं हूं तनु। सॉल्वर गैंग के सरगना की तलाश में यूपी पुलिस ने पटना और छपरा में एक साथ छापेमारी किया, लेकिन इसकी भनक सॉल्वर गैंग के सरगना पीके उर्फ नीलेश सिंह को पहले ही हो गई थी। यही कारण है कि यूपी पुलिस को छापेमारी से पहले ही वह पटना छोड़कर दूसरी जगह चला गया था। हालांकि दबिश के दौरान पीके की तस्वीर पहली बार पुलिस के हाथ लगी है। नीट परीक्षा में धांधली के प्रयास में लगे सॉल्वर गैंग के सरगना पीके उर्फ नीलेश सिंह पटना के पाटलिपुत्र में रहता था। महंगी गाड़ियों का शौकीन पीके अपनी कॉलोनी के लोगों को खुद को डॉक्टर बताता था। उसने यहां पर अपना 4 मंजिला आलिशान मकान भी बना रखा है, वही महंगी गाड़ियों का भी शौकीन है। पुलिस की छापेमारी के बाद पीके की असलियत जानकर आसपास के लोग काफी हैरान हो गए हैं। वह बिहार के छपरा जिले के सिंगवा गांव के रहने वाले पीके के घर पुलिस गई तो पता लगा कि वहां उसने अपने करीबियों को खुद को बिजनेसमैन बता रखा है। एक सॉल्वर गैंग के सदस्य एक सिम का उपयोग 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं करता है। इस बात की जानकारी वाराणसी पुलिस द्वारा शनिवार को गिरफ्तार किए गए सॉल्वर गैंग के सदस्य विकास कुमार महतो और राजू कुमार ने पुलिस को दी। दोनों ने पुलिस को बताया कि सभी सदस्य फर्जी आईडी के लिए गैस सिम कार्ड का उपयोग करते थे और बातचीत के लिए व्हाट्सएप ऐप मैसेंजर और कॉल का सहारा लिया करते थे। पुलिस को दोनों ने बताया कि उनका गिरोह अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और एडमिट कार्ड मंगवाने के लिए हमेशा एयर कुरियर सर्विस का इस्तेमाल करता था। इसका फायदा यह होता था कि कुरियर कंपनी का डिलीवरी बॉय कभी उनके ठिकाने तक नहीं आ पाता था। जब भी कुरियर आता था वह एयरपोर्ट जाकर उसे खुद ही ले लेते थे। ऐसे तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें।